ये एक काल्पनिक कहानी है और दिल को गहराइयों तक छू जाने वाली। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित से राधा। कृष्ण सक पकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उसके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया उन्होंने और बोले राधा से, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं। कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, न तुम्हारी याद आई, न आंखों से आंसू बहा, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही कहां थे। जो तुम याद आते, इन आंखों में तो सदा तुम ही थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया? इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें? कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं? कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और दसों उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूर दृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये क्या निर्णय लिया? आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आपकी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूं कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। ये कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इसके भीतर छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रहे, यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।